सोशल हरियाणा की टीम पहुंची है हल्का कलायत के कुराड़ गांव में, और कुराड़ गांव में जननायक सेवा दल द्वारा 22वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। तो आइए रक्तदान शिविर आयोजित करने वाले आयोजकों से बात करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम दीजिए भाई जी। गांव मेरा नाम है अमनजीत बुरा है, गांव कुराड़ है। जननायक सेवा दल जो संगठन है उसका प्रधान आज 22वां रक्त शिविर लगाया भाई जी। तो हम देखते रहते हैं रक्तदान शिविर जो शहरों में आयोजित होते हैं, गांव वगैरह में ऐसे ऐसे प्रोग्राम कम होते, तो ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपकी बात ये बहुत ही अच्छी है। जब मैं आर्य स्कूल में पढ़ता था 1994 के अंदर, मैं 8वीं क्लास में, तो डब वाली के अंदर बहुत ही बड़ा कांड हुआ था। मतलब कि स्कूल में प्रोग्राम था तो 550 बच्चे वहाँ जिंदा जल गए थे। तो वहाँ मतलब कि उसके उसमें मतलब कि श्रद्धांजलि देने हेतु कैंप कॉलेज निर्माण के अंदर कैंप लगे था। तो मैम वहाँ सेवा देने के लिए तो थोड़ा अच्छा लगता था, मैं वहाँ कफाड़ा रहा फ्रूट की। तो वहाँ से मैंने लल एक मतलब कि अपने मन में एक जिज्ञासा हुई, मैं भी आगे चलकर रक्तदान शिविर लगाऊंगा और मतलब कि खुद भी रक्तदान करूँगा। अगर मंजीत भाई जी बात की जाए तो अपने जीवन में कितनी बार रक्तदान किया है? मैंने 2006 से स्टार्टिंग की थी रक्तदान की, जब एक देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में कैथल के अंदर जो गीता भवन है वहाँ कैंप लगाया था। फर्स्ट बार मैंने वहाँ ब्लड दिया था। उसके बाद तो मैंने हर साल मतलब कि ब्लड डोनेट और ब्लड कैंप मतलब किसी पर अपने चालू करते थे। तो आज बात की जाए भाई जी, मुख्य अतिथि के रूप में कुराड़ गांव में कौन पहुँच रहा है आज? हमारे मुख्य अतिथि के उसमें जो हमारे हरियाणा सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती कमेश डांडा जी आ रही हैं। तो भाई जी जैसे अन्य गांव के लोग भी प्रेरित हो आपकी इस मुहिम से, तो बताना चाहिए आपने रक्तदान लगवाना तो किससे मिलाना पड़ता है स्टार्टिंग में, और क्या क्या इसमें प्रोसीजर होता है? इसमें प्रोसीजर ये होता है, आप रेड क्रॉस के अंदर मतलब कि जो अपनी यदि संस्था का लेटर पैड है तो वो उस पर अपनी एप्लीकेशन दे आओ। वो आपको टाइम मतलब कि आपने जो दिन फिक्स है, डेट फिक्स है, और उसके अनुसार मतलब कि डॉक्टर की टीम आएगी और आपका ब्लड ले जाएगी। अगर भाई बात की जाए तो इसका जो खर्चा वगैरह होता है फ्रूट का लगा लिया, किसका संस्था करना पड़ता है या स्टाफ की तरफ से मिल जाता है? नहीं, ये तो सरकार की पॉलिसी है जो पर यूनिट 50 रुपये देती है। जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है जो कर ये बेड का है, खाने का, पीने का है, जो चीफ गेस्ट होगा वो मतलब कि संस्था उठाती है, जो चीफ गेस्ट देते हैं वो अलग बात है। तो आज 22वां रक्तदान शिविर है मंजीत भाई, तो 23वां रक्तदान शिविर कब लगाने जा रहे हो? अभी जो अपनी पूनम रानी है, जो हमारी बेटी थी, शहीद हुई है मतलब कि अब हफ्ता 5 दिन पहले, तो हमारी संस्थाओं ने एक सुझाव दिया था क्योंकि इसके उसमें भी श्रद्धांजलि देने हेतु उन्होंने अपनी जान दी, मतलब कि अपने देश के लिए दी है, तो हम क्यों नहीं इसके उसमें मतलब कि एक रक्तदान शिविर आयोजित करें क्लास के अंदर। वो डेट अभी 5-10 दिन के अंदर अंदर डिसाइड कर लेंगे। स्थान फिक्स है भाई जी, ताकि पहुंच के हमारे दर्शक? नहीं, वो तो स्थान तो मतलब कि अब हो सकता है, वो तो नहीं मतलब कि अभी मीटिंग के अंदर डिसाइड कर लेंगे, बस स्थान कौन सा होएगा, बाड़ू होएगा या फिर कलायत होएगा या फिर और कोई स्कूल कॉलेज होएगा। तो भाई बहुत ही बड़ी बात है, जो देश की बेटी बाड़ू गाँव की जो हमारी पूनम रानी जी शहीद हुई थी उसकी याद में कलायत में जल्दी कुराड़ गांव का जननायक सेवा दल वहां भी शिविर आयोजित करेगा। तो एक बहुत ही अच्छी मुहिम लेकर मंजीत भाई वह कुराड़ गांव के अन्य ग्रामीण चले आए, इसका सभी हल्का वासियों जिला वासियों को साथ देना चाहिए। तो भाई जी क्या संदेश देना चाहोगे आज के इस प्रोग्राम में जितने भी साथी पहुंचे हैं? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ मतलब कि जो अपना रगत है वो मतलब कि लड़ाई झगड़ों में ना बहाएं, मतलब कि गलियों में ना बहाएं, वो किसी की नाड़ियों में बहाएं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। अपना नाम बताइए। रणबीर सिंह। तो आप बीसी संगठन से जुड़े हैं? नहीं, संस्था से नहीं जुड़ रहा, मैं चीफ गेस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, चीफ गेस्ट के रूप में है। अच्छा, जिला परिषद है? हाँ, एक्स जिला परिषद। गांव वगैरह बता दीजिए कौन? गांव कुराड़ है। कुराड़ से हो? हाँ।
क्या जैसे आज आपके गांव में सीवराइज तो है, कितनी यूनिट पहुंचने की उम्मीद है? ये तो मुझे अनुमान नहीं है कितनी है, ये तो यही बताएंगे कि अच्छा। हाँ, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं ना, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। अगर गांव के सहयोग की बात की जाए तो गाँव और की तरफ से कैसा सहयोग मिलता है इस संस्था को? सहयोग तो जिस तरह का ये संस्था गाँव वालों उसको बोलती हैं तो गाँव वाले तो बढ़ चढ़ कर आगे ही रहते हैं इनके साथ। तो भाई देखो, कुराड़ गांव में 22वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया जो कि एक बहुत बड़ी बात है गांव लेवल पर। तो देखते रहिए सोशल हरियाणा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।